हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पशु बीमा क्या है, पशु बीमा के लाभ क्या हैं, पशु बीमा किन जानवरों का होता है और पशु बीमा किस वर्ष की उम्र में कराया जाता है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें। तो पशु बीमा, भारत में आधे से ज़्यादा किसान पशुओं पर निर्धारित है। भारत में आधे से ज़्यादा आबादी, आर्थिक गरीब किसान जो कि पशुओं के ऊपर निर्धारित है। भारत ने पशुओं के लिए एक पशु बीमा योजना या हम कह सकते हैं जोखिम योजना भारत ने लागू की। गोवा को छोड़कर भारत तथा 300 राज्यों में ये पशु बीमा योजना लागू। बीमा योजना ये दो उद्देश्यों पर लागू हुई। पहला उद्देश्य था इनका, यदि कोई पशु किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसका नुकसान सरकार इस बीमा के अंतर्गत भरपाई करेगी। और दूसरा उद्देश्य है इसका, अगर कोई भी पशु जिसका बीमा हो चुका है वह अगर बीमार है तो उसका इलाज भी सरकार ही कराएगी। बीमा योजना की निम्न शर्तें होती हैं। इस बीमा की पहली शर्त है कि यदि आपका जानवर स्वस्थ है तो इस बीमा के आप पात्र हैं। जब आप बीमा कराने जाएं तो आप अपने जानवर की जांच कराने के पश्चात ही जाएं। हमारी दूसरी शर्त है, जब जानवर का बीमा आप कोई अन्य बीमा योजना ले रहे हैं तो पशु बीमा योजना आपकी नहीं दी जाएगी, आपको पशु बीमा योजना नहीं दी जाएगी। हमारा तीसरा बिंदु है, जिस जानवर की उम्र 10 से 15 साल के बीच या ऊपर है उस जानवर का बीमा योजना होगा, अन्यथा इस उम्र से आपके जानवर की उम्र कम है तो उस जानवर का बीमा नहीं होगा। कम उम्र के जानवरों का बीमा नहीं होगा, 15 से ऊपर हों या 10 और 15 के बीच की उम्र के जानवर हों उनका बीमा योजना हो जाएगा। आपके बीमा योजना के अंतर्गत बाजार मूल्य पर जानवर की कीमत के आधार पर आपका बीमा किया जाता है। यदि आपका जानवर किसी भी प्रकार से मृत्यु हो जाती है, यदि आपके जानवर की किसी भी कारणवश स्वास्थ्य या किसी और कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसके नुकसान की भरपाई सरकार आपके बीमा योजना के अंतर्गत। आप बीमा योजना नहीं ले रहे हैं तो आप बीमा योजना जरूर लें जिससे कि आप नुकसान से बच सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।